प्रिय विद्यार्थियों, आज जो है हम ड्रिलिंग मशीन का डेमो करेंगे और ड्रिलिंग मशीन में सीखेंगे कि जो ड्रिल मशीन है ये क्या होती है, इसके ऊपर किस तरीके के ऑपरेशन किए जाते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट यानी भाग होते हैं। तो देखिए, ये आपकी क्या है, ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन का अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, इसके डेफिनेशन की बात करें, तो ड्रिलिंग मशीन एक प्रकार की एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी भी मेटल में, किसी भी वुडन यानी लकड़ी में हम होल कर सकते हैं और भी अलग टाइप के ऑपरेशन हम कर सकते हैं, जैसे ड्रिलिंग कर सकते हैं, टेपिंग कर सकते हैं, रिमिंग कर सकते हैं, काउंटर सिंकिंग कर सकते हैं, काउंटर बोरिंग कर सकते हैं, स्पॉट फेसिंग कर सकते हैं और काफ़ी सारी क्रियाएँ जो हैं हम ड्रिलिंग मशीन पर कर सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं जो ड्रिलिंग जो मशीन जो होती है इसके कौन कौन से पार्ट यानी भाग होते हैं। तो देखिए, ये जो ड्रिलिंग जो मशीन जो है आपके कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। कौन सी है बेटा ये? हाँ, पिलर का मतलब क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो बनावट जो बॉडी की है वो एक पिलर के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ से चलते हैं। तो देखिए, जो नीचे का जो भाग जो है, ये वाला, ये जो भाग जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस यानी आधार। इसके बाद में ये जो भाग जो आपको जो नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं पिलर। क्या बोलते हैं? पिलर। ये आपकी क्या है, गोलाकार वर्किंग टेबल है। इस वर्किंग टेबल के ऊपर टी आकार की एक स्लॉट कटी हुई है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो स्लॉट कटी हुई है ना, और इसका जो हम बराबर से देखेंगे, इसको इधर से देखेंगे तो यहाँ पे टी बोल्ट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? टी बोल्ट। कई प्रकार की जॉब ऐसी होती है कि जो कि हमें, जो आपकी मशीन जो वाइस होती है उसमें क्लैंप नहीं कर सकते, ऐसे प्रोडक्ट को या फिर ऐसे जॉब को हम इसके ऊपर फिक्चर के द्वारा क्लैंप करके ऑपरेशन क्रिया जो है कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, ये वर्किंग टेबल। उसके बाद में ये क्या है, मशीन वाइस। क्या है ये? मशीन वाइस। मशीन वाइस के ऊपर देखिए, यहाँ पे ये स्पिंडल है और स्पिंडल के अंदर जो हमने एक ड्रिल चक लगाया हुआ है, ठीक है। ड्रिल चक के अंदर क्या है, ये आपका ट्विस्ट ड्रिल है। क्या है? ट्विस्ट ड्रिल। उसके बाद में ये जो आपको पार्ट जो नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं डेप्थ गेज। डेप्थ गेज का मतलब ये होता है कि किसी भी जॉब के अंदर हमें कितने एमएम के अंदर, कितने एमएम के अंदर उसकी जो डेप्थ जो है, गहराई तक हमें ड्रिल करना होता है, इसलिए डेप्थ गेज का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद में देखिए, ये जो स्टेयरिंग जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, जो कि ऊपर नीचे हम इस पिंडल को करते हैं यानी इसको मूवमेंट देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फीड ड्राइव। क्या बोलते हैं? फीड ड्राइव। यानी इसके द्वारा हमें उसके अंदर किसी भी मेटल में या फिर वुडन में क्या देते हैं, फीड देते हैं। ये आपका क्या हो गया, फीड ड्राइव। ऊपर का जो भाग जो नज़र आ रहा है, कंप्लीट जो भाग जो है, जो कि इसको हम बोलते हैं मैन ड्राइव। क्या बोलते हैं? मैन ड्राइव। मैन ड्राइव के अंदर क्या क्या है, पुली है, बेल्ट है और मोटर है, ठीक है ना। इसके अंदर स्टेप पुली लगी हुई है। कौन सी? स्टेप पुली लगी हुई है। स्टेप पुली का मतलब ये होता है कि स्पीड को हम आवश्यकता के अनुसार स्टेप बाय स्टेप उसको बदल कर, चेंज करके उसकी गति जो है स्पिंडल की, वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसके पार्ट थे। इसके पीछे देखिए, यहाँ पे मोटर लगी हुई है और यहाँ पे एक देखिए कैरी करने के लिए, यानी इसके ऊपर कुछ जॉब या रखने के लिए अलग से यहाँ पे एक टेबल लगी हुई है। उसके बाद में देखिए, एडजस्टिंग करने के लिए टेबल को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे रैक पिनियन गियर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रैक पिनियन गियर। हाँ, इस हैंडल के द्वारा हम टेबल को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से जो है किसी मेटल में होल किया जाता है, सुराख किया जाता है। सबसे पहले देखिए, आपको जो जॉब जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से क्लैंप कर लेना है। इसी तरीके से जो ट्विस्ट ड्रिल जो है उसको भी अच्छे तरीके से ड्रिल चक में क्लैंप करना जरूरी है। इस तरीके से आपको जो है एक हाथ से इसको पकड़ना होता है, इसको मशीन वाइज को। और ये जो आपका फीड ड्राइव को ऐसे हमें इसको ऐसे दबाना होता है और बेटा एक जो है कूलेंट डालेगा साथ साथ में और एक बच्चा इसको ऑन करेगा। जैसे मशीन में कोई फॉल्ट जो आता है या ड्रिल फंस गया है तो तुरंत आपका फोक्स जो है उस बटन पे होना चाहिए जिससे मशीन बंद होती है, ठीक है ना। तो हम ऑन करेंगे और एक बच्चा इसको कूलेंट को पकड़ेगा। तो जैसे ही ऑन करो बेटा एक बार मशीन को, देखिए ऑन हो गई है बेटा। इसके फोक्स करो थोड़ा सा, जहाँ पे सुराख हो रहा है पास आके करो थोड़ा।
वेरी गुड। इस तरीके से आप जो है किसी भी मेटल में आसानी से ड्रिलिंग कर सकते हो। जब आपका होल निकलने को होता है तब आपको इसकी फीड जो है वो बिल्कुल कम कर देनी है और मशीन को बंद करेंगे। अब देखिए जो चिप जो है हम इसके ऊपर से हटाएंगे, तो एक बार बेटा इस पर फोकस करो होल पे। तो देखिए ये जो है होल इस तरीके से हमने मेटल में जो है निकाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस जॉब के अंदर क्या काम करना है, 5 यानी इसके अंदर होल करने हैं। मार्किंग आपने कर ली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट जो चैप्टर था जो कि हमने ड्रिलिंग मशीन का आज डेमो किया है, फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो, किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जो पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।